एंड सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल अभिषेक यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉप 5 बिगेस्ट स्मार्टफोन मिथ्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो मिथ है वो है चार्जिंग ओवरनाइट इज हार्म फॉर योर स्मार्टफोन। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि आपका जो स्मार्टफोन है उसका नाम ही स्मार्ट है, तो ये जो स्मार्टफोन हमारा होता है वो फुल चार्ज होने पर अपने आप बंद हो जाता है चार्जिंग होना, तो ये आपके स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो अगर आप उसी मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर यूज़ कर रहे हो तो आप बेफिक्र होकर अपने मोबाइल को ओवरनाइट चार्ज कर सकते हो। तो हमारा जो सेकंड मेथ है वो ये है कि मोर मेगापिक्सल्स इज इक्वल्स टू बेस्ट फोटो। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि कितना मेगापिक्सल है, बट ये मैटर करता है कि आपका मोबाइल का जो लेंस है वो कितना बड़ा है। इसीलिए अगर एक DSLR और एक मोबाइल में कंपेयर करें तो DSLR कम मेगापिक्सल का होने पर भी बहुत ही अच्छा फ़ोटो खींच लेता है, पर जो मोबाइल है वो 108 मेगापिक्सल का होकर भी थोड़ा सा कम क्वालिटी का फ़ोटो लेता है, तो मेगापिक्सल डजंट मैटर। तो हमारा जो थर्ड मिथ है वो ये है कि 4G यूज मोर डाटा देन 3G। तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है क्योंकि आपका जो 4G है वो आपको कुछ ज़्यादा स्पीड देता है 3G के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक 500 MB का फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो वो 4G में थोड़ा सा जल्दी होगा और 3G में थोड़ा सा लेट होगा। और ये जो 500 MB का फाइल डाउनलोड कर रहे हो आप, तो उसमें 3G में 500 MB जाएगा और 4G में ही 500 MB जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि 4G 3G के मुकाबले में ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है आपका। तो हमारा जो फोर्थ मिथ है वो है डू नॉट यूज़ स्मार्टफोन वाइल चार्जिंग। तो ये मिथ कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है क्योंकि अगर आप अपने स्मार्टफोन का ओरिजिनल चार्जर यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो आपके स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाते हुए, पर आप अगर आपके कोई भी डुप्लीकेट चार्जर यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए और आपके स्मार्टफोन के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो फिफ्थ मिथ है वो है एंड्रॉयड आर मोर प्रोन टू मेलवेयर एंड अदर वायरसेस। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिलता है कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के आपके मोबाइल में डाल सकते हो, पर iOS यूज़र को ये सब नहीं मिलता। एंड्रॉयड यूज़र को इतना फ्री मिलता है कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के आपके मोबाइल में डाल सकते हो। इसकी वजह से आपका मोबाइल हैक होता है या फिर आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप इसे अवॉइड करते हो तो आपका एंड्रॉयड पूरा का पूरा सिक्योर है आईफोन की तरह। तो ये भी एक बड़ा मिथ था कि एंड्रॉयड इज लेस सिक्योर देन iOS। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।